हाँ जी, राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर, और मेरा नाम है मधु, आप जानते ही हो। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक छोटी सी बात कहूँगी अभी और फिर बाद में बोलूँगी कि मतलब वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ स्किप ना करें। इससे पता क्या होता है कि हमारे चैनल का रैंक गिर जाता है। मतलब आपको लगता है कि कोई पार्ट बोरिंग बोरिंग है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला नहीं है, क्योंकि सजेशन देने में और ओपिनियन देने में या फिर बैड कमेंट करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप हमें बोल सकते हो कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अब होता है ना कि हम रेसिपी कुछ भी बना रहे हैं तो अपना अपना कल्चर होता है ना, अपनी अपनी जगह का। अब हिमाचल में भी जो मैं बना रही हूँ कई लोगों को नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम कुछ गलत बना रहे हैं। ऐसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे तो। और मैं तो बहुत मतलब वीडियो जो है कई बार फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ कि लंबा ना जाए। तो आजकल भी मैं 15-16 मिनट का, 17 मिनट का इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एवरेज नहीं आ रही है हमारे पास। आ जाता है ये एवरेज की इतने मिनट जो है देखा, क्योंकि सब कुछ हमारे पास पहुंच जाता है कि किसने कितना देखा, सब कुछ पता लग जाता है यहाँ पे। तो एक राउंड फिगर में जो है एवरेज बताते हैं कि इतनी देर जो है लोगों ने वॉच किया। तो थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी मेहनत से इतना बड़ा वीडियो बनाया भी। वैसे मैं बहुत छोटा वीडियो बनाती थी पहले। तो चलिए, सबसे पहले मैं तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है, तभी आप मेरी वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलो मैं ये नहीं बोलती, बीच में स्किप भी करना पड़ता है तो, पर थोड़ा स्किप करें। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि रमेश देसाई हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उनके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और फिर अंजलि ठाकुर, ईशू नाम है उनका, तो उनका जन्मदिन है आज, उनको हैप्पी बर्थडे। और आरती हैं, संगीता हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब चलिए, मैं आपको आपके लिए लेके आई हूँ आज सोयाबीन के परांठे अलग तरह से। एक बार मैंने पहले भी बनाए थे, वो अलग तरह से थे, आज एक अलग तरह से बनाए हैं, क्योंकि वो हमारे बनाते थे, और जगह मुझे नहीं पता कि बनाते होंगे कि नहीं, लेकिन हमारे जो अम्मा दादी हैं वो बनाते थे। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं, और आप भी कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा तब भी, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो बाद में मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे जो है आगे आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो ये है सोयाबीन, यहाँ पे मैंने रात को भिगो दी थी, ये कच्ची है जो हाथ में, और ये भिगोई हुई, देखो फूल के कितनी अच्छी बन गई है। तो ये है, चलो इसको अब पीस लेते हैं। मिक्सी में वैसे सिलवट्टे पे अच्छी होती है, पर मैं इनको दूसरी तरह से बनाऊंगी, मैं भर के नहीं बनाऊंगी इनको, स्टफिंग नहीं, मैं इनको थोड़ा पतला पेस्ट बनाऊंगी इसका। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया था पहले ही, और चाय भी रखी है, मेरी ठंडी हो जाएगी वीडियो के चक्कर में। तो मैं अब इसको मिक्सी जार में जो है ग्राइंडर इसमें पीस लूँगी अच्छी तरह से। वैसे हम सिलवट्टे पे पीसते हैं अगर भर के जो बनाते हैं ना, तो मैं वैसे नहीं बना रही हूँ, पिछली बार बनाए थे मैंने वैसे, ये भिगो के बना रही हूँ मैं, पिछली बार मैंने बिना भिगोए बनाए थे, तो ऐसे मैंने इसको इनको जो है वो कर लिया। और अब पीसने के बाद जो है जो पेस्ट बनाना, इसको मैं तड़का लगाऊंगी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये कच्चा रहता है नहीं तो। और यहाँ से पता नहीं दिख रहा होगा आपको, कैमरे की अच्छी नहीं आ रही है, और देखा मैंने है नहीं पहले। और ये मैंने काट दिया यहाँ पे थोड़ा सा पालक, और थोड़ी सी सरसों, और थोड़ी सी लहसुन के जो पत्ते होते हैं वो। तो इसको मैं अब आप सीखते, मैं बता रही हूँ आप सीखते रहिएगा, अगर बनाना चाहते होंगे तो बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें प्याज और ये सब कुछ ऐड कर दूंगी इसमें, और इस पेस्ट को ना पका लेंगे, जो सोयाबीन का जो पेस्ट बनाया था ना मैंने, उसको पका लेंगे थोड़ी देर, ताकि जब इसको हम बनाएंगे तो अंदर ये कच्चा ना रहे। तो इस तरह से मैंने इसको जो है ये भी डाल दिया, इसमें सब कुछ इसमें डाल दिया, और बाद में डालेंगे फिर इसमें गर्म मसाले, सब कुछ ऐड करना। अब इसको मैंने उठा दिया थाली में, पलट दिया, जिसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, और उतने को मैं आटा कर देती हूँ, ठीक। और ये भी मेरी हेल्प करते रहते हैं, और इसमें मैंने गरम मसाले डाल दिए, थोड़ा सा नमक कम था वो भी डाल दिया, बाकी मैंने तड़के में डाल दिया था हल्दी और नमक सब कुछ, और हरा धनिया भी डालना इसमें, और आटा काफ़ी देर पहले बनाना पड़ता है इसके लिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ये वीडियो बनाने में, तो उसके लिए सॉरी। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैंने आपसे बातें भी की है और कुछ बताया भी है आपको, पूरा देखिएगा प्लीज़, क्योंकि फिर आपको आप
आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने ना थोड़े से पहले बना दिए थे, बच्चों को लेट हो रहा था, फिर मैंने वीडियो ना थोड़ी देर बाद लगी मैं बनाने, तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन भी रखा है, आप देख रहे होंगे। इंडक्शन यहाँ पे नहीं रहता वैसे, ये ऊपर ही रहता है जहाँ पे रखते हैं इसको। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए, और अभी मुझे नज़दीक हो रहा है यहाँ बैठ के, फिर मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, ऊपर बनाती या नीचे से थोड़ा, तो इसलिए मैंने ना यहाँ रखा है इसको अपने पास। तो अभी पहले हम ऐसे आटे की लोइयाँ कर ली, मैंने थोड़े से बना भी दिए थे, और फिर इस तरह से जो है बेलने के बाद जब चपाती बना दी, उसके बाद ऐसे ऊपर से इसको डालें, क्योंकि मैंने इसको ना बारीक पीसा है, पतला किया हुआ है इसको, और ये वो स्टफिंग वाला नहीं है। तो आप चाहो तो बना सकते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि ये क्या बना दिया, तो आई एम सॉरी, बट सजेशन आप दे सकते हो, बट इस तरह से डिमोटिवेट थोड़ा सा बुरा लगता है। और लाइक कर दीजिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं वो कई बार भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते, पर भूल जाते हैं। और फिर मैंने दूसरी चपाती बना ली, दो चपातियों के बीच में स्पेस को भर दिया मैं, बस तीन तीन ही आपको बना बना के बताऊंगी, तीन तरह से बनाते हैं इनको, तीन तरह से बनाए मैंने। ये देखिए दोनों के बीच में भर दिया मैंने, ये छोड़ दिया इसको ऊपर, ठीक है। अब दूसरी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तरह से कैसे बनाना है इसको, जो मतलब जो कम तेल खाते हैं भी, मतलब ना ज़्यादा ना कम, उनके लिए तवे वाला ठीक है। उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा उबाया लगाएंगे, तो थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने नमक डाल लिया, क्योंकि बच्चों ने खा लिए थे पहले। तो बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं ये, जो सोयाबीन के होते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ बनाते हैं, पहले भी बताए थे मैंने तो लोग बोल रहे थे कि हमने कभी नहीं बनाए, पर ट्राई कीजिएगा, और बहुत बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो मैंने जो तवे के ऊपर रखा है ना, उसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा जो पेस्ट लगा ली, सॉरी तेल लगा लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी जो तड़के कैसे बनते हैं, जो खाते हैं ना ज़्यादा तला हुआ पसंद करते हैं, मतलब जिनको कुछ नहीं होता, अभी मैं तो नहीं खा सकती फिर भी खा ही लेती हूँ, मन नहीं मानता ना, लालची होता है। तो इस तरह से बनाने, हमने दो ही पोर्शन करने इसके, और देखो कैसी इसकी शेप आ रही है, जैसे वो कलाकंद नहीं होता मिठाई कुछ, है ना, हाँ वही होती है शायद। तो इसको हम बहुत अच्छा ऐसे आकार देके ना, ये देखो इस तरह से मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया, तो इस तरफ ये भी हो रहा है। और मैंने स्पीड ना फास्ट की हुई यहाँ पे, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, वैसे 12 मिनट की बन चुकी थी ये वीडियो, मैंने सिर्फ इसकी क्या बोलते हैं इसको, इसकी बनाते हुए परांठे सोयाबीन के, बट मैंने इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड करके 5 मिनट का रखा। तो इस तरह से फिर जो है ये जो मैंने इसमें डाला ना कढ़ाई में, ये भी बहुत बच्चे ऐसा पसंद करते हैं, मैं भी नहीं खाती, मेरे पति भी नहीं खाते, तो इनके लिए बनाएंगे हम दो तीन ना, कुछ तो ये खा भी चुके हैं एक दो दो, पर आजकल स्कूल को भी जाता है इनके ना टिफ़िन, 9th में फिर खाना नहीं है, और ना 10th में, 8th तक मिलता था इस तरह से। और आप ज़रूर बनाइएगा, ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगता है इसमें, और तेल में ही ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, बाकी और किसी चीज़ में नहीं। फिर आप इनको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब एक तरह से हो गया ना कढ़ाई में, एक तरह से हो गया तेल लगा के, अब मैं आपको तीसरी तीसरा प्रकार बनाऊंगी बताऊंगी, जो बिल्कुल भी तेल नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनाने। ये देखो दो मैंने चपातियां बना दी यहाँ पे, और ये कढ़ाई वाला ना थोड़ा सा जल गया, क्योंकि चूल्हे की जो इंडक्शन की जो आँच होती है ना बहुत तेज़ होती है, और यहाँ पर नहीं रहता ये चूल्हा, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर रखूँगी मैं इसको, तो ये सिर्फ अभी लाया है मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पे। तो मैंने सोचा अलग अलग वीडियो क्यों बनाना, मैं एक में ही बता देती हूँ। अब जो है मैं बना रही हूँ तीसरे प्रकार का, तो इसको जो है हम इसमें तेल नहीं लगाएंगे, अगर आप गैस पे बना रहे हो तो इसमें तेल नहीं लगाना, बस इसको जो सेकना है, हम तो जैसे गाँव में चूल्हे होते हैं तो हम आग के ऊपर सेक लेते हैं, आप बनाना चाहते हैं अगर तो आप गैस के ऊपर भी सेक सकते हैं इनको, जैसे चपाती सेकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पेस्ट है ना सोयाबीन का, वो कच्चा नहीं है, वो पक्का हुआ है, क्योंकि मैंने उसको पका लिया था पहले ही, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको जो ना ऐसे ये करके पहले तवे के ऊपर पकाना अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इसको हम चूल्हे में पका लेंगे। ये देखिए मैं आपको दोनों तरह से बता रही हूँ,
तो ये देखिए एक प्रकार ये हो गया, इसमें मैंने तेल नहीं लगाया है, ये मैं चूल्हे में सेका है मैंने अंगारों के ऊपर आग के, और नीचे वाले कम तेल के हैं और जो साइड में हैं वो ज़्यादा तेल के हैं, मतलब उनको तो तला हुआ है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, कैसे लगते हैं आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये था सोयाबीन के परांठे। तो अब मैं आपसे कर लेती हूँ एक जरूरी बात है, थोड़ी सी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि एक उपासना उपासना है सिस्टर हमारी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कल की, दीदी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की 2 लाइनें बोल दीजिएगा। तो मैं इतनी बड़ी कोई मोटिवेटर नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी काबिलियत है वो, तो पर चलो मैं थोड़ा सा, अगर उन्होंने बोला है मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत से लोग हैं ज़िंदगी से उदास रहते हैं, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत है ना, तो इसी में बहुत खुश रहिए, क्योंकि भगवान ने ये जो शरीर दिया है ना, बोलने की क्षमता दी है, चलने की दी है, मतलब ये हम पता क्या सोचते हैं कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। उन चीज़ों के पीछे मत भागिए, मैं कभी भी नहीं भागती, मैं वही बातें आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और जो हमारे पास है ना उसमें खुश रहिए, पास मतलब कोई भी चीज़ हो। अरे हम बोल तो सकते हैं, उन लोगों के बारे में सोचो जो बोल भी नहीं सकते, है ना। और एक और बात है कि जैसे हमारे मतलब हम सोचते हैं हमारे पास जूते नहीं है, ठीक, अच्छे जूते नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है, तो यार हम चलो कैसे भी पहन लेते हैं जूते, बट उन लोगों के बारे में भी सोचो जिनके पैर ही नहीं है। प्लीज अपने माइंड में कभी भी, सुख दुख जीवन के दो हिस्से हैं जो आते जाते रहते हैं, और इनको जो है हंस के जितना फेस करेंगे ना उतना ही मुसीबतें हमसे दूर भागेंगी, और जितना हम स्ट्रेस लेते रहेंगे अपने ऊपर कि नहीं ये कैसे होगा, सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और अपने ऊपर सबसे बड़ी बात, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान को मानिए और वो सब कुछ ठीक करते हैं। और अपने काम पे हमेशा अपने काम पे भरोसा कि नहीं मैं जो करूँगा वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश सही करने की करूँगा कि मैं सही करूँगा, तो शायद हमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाती है। और एक टारगेट रखिए अपने जीवन का कि हमने ये करना है, छोटी सी जिंदगी है, कोई पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े, इस बात का कोई भरोसा नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। तो क्यों क्यों हमने ये 2-4 दिन जो है वो दुख में जीने, ठीक है, इनको खुशी से जिए जितना भी हो सकता है। अमीरी गरीबी ये तो सब चलता रहता है जिंदगी में, ठीक है, सभी इंसान है भगवान के बनाए हुए, नींद भगवान जो है उसकी वजह से आएगी जब वो चाहेगा, आप जितना मर्जी अच्छा बिस्तर ले लो, तो अगर हम स्वस्थ हैं ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और सही सलामत है हमारा शरीर ठीक है तो सब कुछ ओके है, बीमारियां भी चलती है ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आप लोग सोचते भी होंगे जो नहीं पूछते होंगे कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, इतनी बड़ी फैमिली है। तो मेरी फैमिली में वैसे तो जो जब हम जॉइंट फैमिली में थे, मेरे पति जो हैं 4 भाई हैं और एक जो सबसे बड़े जेठ जी थे हमारे वो एक्सपायर हो चुके हैं, 8-9 साल हो गए उनको, और उनसे जो छोटे हैं वो भी शिमला में रहते हैं, और जो बड़े जेठ जी थे वो भी शिमला में रहते हैं। तो जो बड़े जेठ जी हैं थे तो दीदी हैं अब, और दीदी मैंने एक दो बार दिखाया भी उनको वीडियो में, तो दीदी जो है दीदी भी शिमला में रहती है, उनके बच्चे बहुएं भी है वो भी शिमला में रहते हैं, ठीक है, हम घर में रहते हैं, मैं हूँ, मेरी देवरानी है, देवर है, सास है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति, तो मेरी जो सास है वो देवर के बीच में रहती हैं, मतलब मेरे से जो छोटा है। और वो क्यों नहीं आती, चलो वो शिमला वाले तो नहीं आ सकते, कभी कभी आते हैं तो चलो जब आएंगे तो मैं उनको जरूर लाऊंगी, तो ऐसा होता नहीं कभी कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ या तब वो आए, बहुत कमाते हैं वो, तो अगर कभी आएंगे, और बड़ी दीदी का जो घर है वो थोड़ा साइड में है पार, तो जब आएंगे तो उनको जरूर दिखाऊंगी। और रही देवरानी की बात, तो ऐसा है कि अब मान लो वही चैनल उन्होंने चैनल बनाया होता तो मुझे बोलते हो, चलो मैं तो बोल भी लेती हूँ, तो वो थोड़ा ना कैमरे को फेस नहीं करना चाहते, मतलब वो बोलते हैं कि मैं क्या बोलूंगी, मुझसे बोलना नहीं आता। मेरे पति भी ऐसे ही है, मतलब वो भी नहीं बोलते कि मैं क्या बोलूंगा, वो तो देवरानी है, मैं अपने पति की बात को भी कहाँ आते हैं रोज वीडियो में, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारी बनती नहीं है कि तब नहीं आते, इवन मतलब हम मैं इधर उधर जाती हूँ तो मेरे पशुओं का मेरी देवरानी करती है, वो जाती है कहीं पे तो मैं करती हूँ उसके पशुओं को, चाहे 2 दिन के लिए चाहे 3 दिन के लिए, बहुत अच्छी फैमिली हमारी, पहले ज्वाइंट होती थी इकट्ठे थे हम सब, अब तो 8-10 साल हो गए, अब सभी अलग अलग हो चुके हैं, फिर भी खुश हैं, बहुत अच्छे हैं सारे, कोई भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत नोक झोंक तो सबके घर में चलती है, और उसका मैं कोई इशू नहीं बनाना चाहती, अपने उसमें वीडियो में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि कुछ परिवार की बातें ऐसी भी होती हैं जो जरूरी नहीं होता कि हर जगह शेयर करने, नहीं तो इसलिए बहुत अच्छी फैमिली है। और माता जी तो हमारे वैसे भी नहीं आते, वो तो बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ, क्या है क्या नहीं है, होता ही है ना, मतलब पुराने
बुजुर्गों को हमारे ऐसा होता था कि ये क्या कर रहे हैं ना, और ये बात है। बाकी देवर भी मेरा जॉब करता है, वो भी घर में नहीं रहते, तो उनका बच्चा है वो कभी कभी आ जाता है, तो हम ऊपर रहते हैं वो नीचे रहते हैं। और मेरे बच्चे हैं वो भी बहुत कम आते हैं, आपने देखा होगा, वो भी ये सोचते हैं कि मम्मी टीचर जो है, हमारे टीचर्स जो वीडियो देखते हैं, तो गुरुजी को भी प्रणाम उनके, और उनसे बहुत डरते हैं वो कि हम नहीं आ सकते ज़्यादा। आते हैं, मैं ले आती हूँ उनको कभी कभी, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी आने वाले टाइम पे। और हाँ, एक बात और, शिवरात्रि वाले दिन जो है, शिवरात्रि से एक दो, हाँ कल के बाद जो है, मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ जो है, कैसे तैयारियाँ हम करते हैं शिवरात्रि की, क्या हम बनाते हैं शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दूसरे दिन हम क्या बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। मैं बोल रही हूँ अच्छी, आपको अच्छी लगेगी वो, तब अच्छी होगी। अपने लिए तो हर किसी को अपना काम अच्छा होता है नहीं, तो प्लीज़ लास्ट में ये मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, हमारे चैनल का रैंक गिर जाता है, भले व्यूज़ भी आ जाएं ज़्यादा। क्या होता है ना कि व्यूज आते भी नहीं, जैसे आपके पास पहले पहुंच गया, शुरुआत में जिसके पास वीडियो जाएगा ना, जो ओपन करेगा, वो अगर ज्यादा स्किप करेगा तो फिर उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप लोग मुझे प्यार करते हैं तो, और हाँ, लाइक कर दीजिए, कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि हमें लाइक से कुछ पैसे मिलते हैं। लाइक से क्या होता है कि हमारे जो चैनल का स्टैंडर्ड है वो अच्छा रहता है, और हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, आप लाइक कर रहे हो हमारे काम को, तो और कुछ ज़्यादा अच्छा करने की जो है हम कोशिश करें। तो बहुत अच्छा प्यार, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे इतने इज्जत भरे और इतने प्यार, मतलब इतने प्यार से आप बोलते हो ना, आप मेरी फैमिली हो, मैं बहुत बार एक परिवार की तरह, अब सच्ची बात बताऊं मैं आपको, अब ना अपने परिवार से ज्यादा, परिवार वालों के साथ तो थोड़ी देर बैठ गई, मैं चली, अभी कहाँ जा रही हूँ तू, मैं क्या, नहीं मैं मतलब, अब देखो आपसे, अभी तो मैं कैमरे के सामने बोली, मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, रियलिटी में सच्चाई में ऐसा लगता है। तो सबसे बड़ी फैमिली तो आप हो मेरी, और मुझे पता है आप जब प्यार करते हो तभी वीडियो पे आते हो, और बस यही था मैं, कि अगर जो मैं बनाती हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल होता है, मैं वही चीज़ें आपको दिखा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैं कभी दिखावा नहीं करती, ना ही मैं ये करना चाहती कि आपको मतलब कुछ, और जो भी मेरे पास होता है वही दिखाती हूँ, ऐसा ही हम खाते हैं गाँव के लोग, और हो सकता है कुछ और लोग जो मेरे से अच्छा खाते होंगे, पर मैं वो आपको दिखाऊंगी जो मैं बनाती हूँ, और अपने अम्मा जी दादी जी से जो सीखा हुआ है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता कि कोई जानते ही नहीं कि ये क्या है, तो वो पहले बुजुर्ग ही जानते थे, तो मैंने उनसे सीखा है, मुझे बहुत ज्यादा शौक था बुजुर्गों से हर काम सीखने का, दादाजी से दादी जी से, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बल्कि यहाँ पे कई बार मेरे पति भी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि ये क्या बना दिया, मैं क्या, कई बार बोलते हैं सच्ची में, तो मैं बोलती हूँ ये मेरी दादी बनाया करती थी, मेरी अम्मा जी बनाते हैं, तो वो चीजें जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ठीक है, चलिए अब जो है वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और प्लीज आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, ऐसी बात नहीं है। तो भाई, जय माता दी, राम राम, और खुश रहना होता है हमेशा, हमेशा खुश रहना होता है, ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, कितने दिन दुख में काटोगे पता नहीं कब जाना पड़ेगा, मैं बार बार बोलती हूँ। और ठीक है, फिर और वीडियो में गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना, कई बार रिपीट कर देती हूँ वर्ड, ध्यान नहीं रहता पीछे क्या बोला था। तो ठीक है, चलते हैं हम, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, लाऊंगी कुछ नया। जय माता दी, राम राम।